शुरू में तो कम था, ऐसा ऐसा बढ़ता गया। मार्केट में कोई शॉप नहीं थी हमारी चीज। अच्छा, फिर बाद में सारी मार्केट बने हमारी, हमारे थ्रू ही मार्केट बनी सारी। अच्छा। इस रोड पे सिर्फ 3 दुकानें थी। हाँ। उसके बाद हमारी दुकान चलनी शुरू हुई, उसके बाद दुकानें बढ़ती गई। हाँ। उस वजह से क्वालिटी हमने मेंटेन रखी है। 25 मिसाले मिलाते हैं ना इसमें, पिसवाते हैं खुद मिसाले, खुद ही लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। काली मिर्च का मसाला होता है और छोलों में अनारदाना डालते हैं, लहसुन लहसुन तो इस्तेमाल नहीं करते, प्याज कच्चा होता है। अब नवरात्रे चल रहे थे, प्याज बिल्कुल बंद था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड से ट्रैवल तक। तो मैं आई हुई हूँ दिल्ली, और मैं बेसिकली दिल्ली की ही हूँ, और हम हैं यहाँ पे अभी जो खड़े हैं, हम प्रशांत विहार एरिया में खड़े हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नीरज को लेकर आई हूँ, बहुत ही फेमस छोले भटूरे का। आज हम खाएंगे, नीरज टेस्ट करके बताएंगे कि उसे कैसे लगे। तो हम आए हैं प्रशांत विहार के बहुत ही फेमस हरिओम छोले भटूरे के, रोहिणी के वन ऑफ द फेमस ये छोले भटूरे हैं। तो आज नीरज रिव्यू करेंगे, नीरज खा के बताएंगे कि उसको यहाँ के छोले भटूरे कैसे लगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। सर अपना टाइमिंग क्या रहता है सुबह? 8 बजे से 4 बजे तक। हाँ, जैसे ख़त्म हो गया 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उस टाइम पर। संडे को तो ज़्यादा भीड़ रहती है। संडे को तो ऐसे रहते हैं। गाइज, इसकी लोकेशन हम आपको बताएं तो लेंसर कॉन्वेंट स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है ये। प्रशांत विहार एरिया बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पूरी की पूरी जो इसका वे है उसकी डिटेल्स हम आपको दे देंगे। तो आज वैसे मंडे है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे छोले भटूरे की प्लेट हमने ले ली, अब हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कैसा है। तो जी, आ गए हमारे छोले भटूरे। तो ये जो प्लेट है गाइस, तो इसका रेट है 90 रुपीज़, और 90 रुपीज़ के अंदर आप देख सकते हो कि 2 भटूरे है, उसके साथ छोले है, प्याज और हरी चटनी वाला सैलड बोल सकते हो, उसके साथ है आंवले का अचार विद मिर्ची। तो चलिए अब इस छोले को ट्राई कर लेते हैं। तो पहले मैंने जैसे आगे भी बताया कि हरी चटनी विद प्याज आता है, अचार आता है विद मिर्ची, एंड 2 भटूरे आते हैं। तो इसका प्राइस 90 रुपीज़ है, और यहाँ पे मैं आपको ये भटूरा जो है वो खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये स्टफ्ड भटूरा है गाइज, तो इसके अंदर भटूरे के अंदर फिलिंग करी जाती है पनीर की, जो एकदम बारीक है आप देख सकते हो, और इसकी जो फिलिंग है वो काफ़ी हल्की मतलब लाइट होती है। तो इसके अंदर भी ऑयल भी बहुत ही कम लग रहा है, जो हाथों में मतलब ऑयल लगता है वो भी बहुत ही कम है, और इसके साथ साथ अंदर आता है हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें मिला के गाइज इसका फ्लेवर जो है ना गाइज वो बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है कि होगा। तो चलिए अब मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पहला बाइट ले रहा हूँ गाइज। तो छोले दोस्तों ऐसे ही मशहूर नहीं है, मतलब दिल्ली में हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मशहूर छोले भटूरे मतलब पॉपुलर हैं। तो यहाँ पे भी गाइज ये जो पहला बाइट है ना, इसी ने मतलब दिल जीत लिया गाइज, इतना बढ़िया टेस्ट। और यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ गाइज कि ये जो छोले हैं तो इसके अंदर आलू की सब्ज़ी आप जैसे देख सकते हो, आलू का बड़ा सा पीस है। तो ये जो आलू की सब्ज़ी है ये भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो, तो इसको भी अलग से मैरिनेट करा जाता है अलग अपने मसालों के साथ। तो ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और छोले के अंदर ये जो है वो एक अलग ही टेस्ट क्रिएट करता है, क्योंकि छोले जो है वो काफ़ी मसाले वाले होते हैं, और उसके साथ आलू का जो टेस्ट है हल्का सा उसको लाइट करता है, तो एक अलग सा ही और बढ़िया फ्लेवर इसको देता है। तो अब इसका आगे रिव्यू देंगी बिंदिया। गाइस, यहाँ तो मैं तो बहुत बार खा चुकी हूँ, मैं बेसिकली रोहिणी की ही हूँ, और बहुत ही फेमस है ये छोले भटूरे। वाओ, मुंह में डालते ही जो बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स है इन चनों का, और सॉफ्टनेस है भटूरों की, वो तो कमाल की है। कॉम्प्लीमेंट करता है साथ में ये अचार, प्याज और चटनी, मज़ेदार, बिल्कुल बचपन की यादें एकदम ताज़ा हो गई। मज़ेदार, मैं तो बचपन से यहाँ पे खाती भी आ रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। और जो मसालों का ब्लेंड है चनों में वो बिल्कुल परफेक्ट है, भटूरे इतने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे थे, और बहुत ही मज़ा आ गया। बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकफास्ट, दिल्ली का ब्रेकफास्ट सबको ही पता है छोले भटूरे, और अच्छे छोले भटूरे मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। तो बस
और बस बिल्कुल हैवी भी नहीं लग रहे थे। एक बात मैं और बताऊंगी, तो चलिए मैं करती हूँ अब इसको एंजॉय। बेसिकली यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कार में खा रहे हैं, टेक अवे लेके जा रहे हैं, स्विगी जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इनको। 90 rupees इसकी कॉस्ट है, बट वर्थ है, बहुत ही यम्मी। तो गाइस छोले भटूरे के साथ लस्सी ना हो तो ये मील जो है वो अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करा लस्सी, तो यहाँ पे जो लस्सी है उसका रेट है 50 rupees, और यहाँ पे दो वैरायटी की मिल जाती है आपको लस्सी, एक तो स्वीट और दूसरा आता है नमकीन लस्सी। तो आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए लस्सी, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही फ्रेश, मज़ा आ गया गाइज। तो गाइस अब हम इसे ख़त्म करते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। आप ज़रूर इधर आइए, एक बार छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करिए, और ट्राई करिए थोड़ा जल्दी आए तो आपको आराम से मिल भी पाए, और ज़रूर आकर यहाँ पे ट्राई करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।